Hello, students. We are going to continue our chapter number six, Social Responsibilities of Business. Today, our topic is social responsibility towards different interest groups. Different interest groups means persons which are related to our business. Business comes into contact with various groups such as consumers, employees, government, suppliers, community, owners, media, etc. द बिजनेस इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ऑल दीज इंटरेस्ट ग्रुप्स जो बिजनेस है वो इन सब इंटरेस्ट ग्रुप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो बिजनेस से रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं जिनसे बिजनेस को फ़ायदा भी हो रहा है जिनसे बिजनेस को भी फ़ायदा हो रहा है तो इन सबके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बिजनेस की वो हम डिटेल में पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुअर्ड कंज्यूमर इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ सेफ आइटम्स बाई मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अगर हम खुद सोचें कि कंज्यूमर्स के लिए बिज़नेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं तो सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जो कंज्यूमर्स की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन हो अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्शन हो सप्लाई जो है स्मूदली चले डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई हो प्राइस जो है वो uh, क्वालिटी के अकॉर्डिंग रखी जाए ये जो है सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिज़नेस की फॉर कंज्यूमर्स क्योंकि कंज्यूमर्स की वजह से ही बिज़नेस कंटिन्यू रह सकता है अगर हमने कंपटीशन में रहना है तो हमें कंज्यूमर्स के डिमांड को ध्यान में रखना होगा तो फर्स्ट इज़ प्रोडक्शन ऑफ सेफ़ आइटम्स बाय मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन रखते हुए सेफ़ आइटम्स आगे जो है प्रोवाइड करवाना

कि जैसे सेफ़ uh, जो है सेफ़ली वो यूज़ कर सकें इसके लिए जो प्रोडक्शन है अपनी प्रोडक्ट के ऊपर भी लिखा जाता है इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं कौन से कंटेंट है कौन कौन इसे यूज़ कर सकता है या इसे यूज़ करने का मेथड क्या है जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक जो है अपनी चीज़ें देखें तो उस पर क्या है कई बार वो डेंजरस हो सकती हैं अगर हम उन्हें ठीक से यूज़ नहीं करना जानते तो एक प्रोड्यूसर का की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंज्यूमर को इसके लिए एजुकेट करे और एजुकेट करने के लिए कई मेथड्स हो सकते हैं जैसे थ्रू एडवर्टाइजिंग बॉक्स के ऊपर लिखा होना या फिर कोई इसके लिए कोई स्पेशल सेमिनार्स वगैरह लगाना जिसमें इसके लिए समझाया जाए न्यू प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए उसे यूज़ करने के मैथड्स बताए जाएँ और कंटेंट्स के बारे में भी पूरे इंफॉर्मेशन देना बींग ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग जो है ट्रूथफुल होनी चाहिए जो उस प्रोडक्ट की के, के बारे में जो उस प्रोडक्ट के स्पेशलाइज्ड जो उसमें चाहे कंटेंट हैं चाहे उसकी कोई स्पेशलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही एडवर्टाइजमेंट देना उसको बढ़ा चढ़ा के मत ना बताना खासकर ऐसे एडवर्टाइजमेंट जिसमें कुछ ऐसे फिर कंटेंट्स वगैरह बता दिए जाएं जो उसमें हो ही ना तो ट्रूथफुल होनी चाहिए वो एडवर्टाइजमेंट टू फॉलो फ़ेयर ट्रेड प्रैक्टिसज फेयर ट्रेड प्रैक्टिस वही जैसे कि एडल्ट्रेशन वगैरह ना होना ठीक है सही चीज़ जो है आगे प्रोवाइड करवाना और कंज्यूमर्स की कंप्लेंट्स और ग्रीवेंसिस का भी ध्यान रखना कि अगर अपने प्रोडक्ट के लिए कोई कंप्लेंट आ रही है वो कंप्लेंट को सुनते हुए उस प्रोडक्ट में आगे से क्या उसमें जो है अमेंडमेंट की जा सकती है ये देखना और क्विकली इस पर एक्शन लेना टू डिज़ाइन एंड डिवेल्प द प्रोडक्ट कीपिंग इन माइंड द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ़ द कस्टमर प्रोडक्ट ऐसे डिवेल्प होनी चाहिए ऐसे डिज़ाइन होनी चाहिए कि प्रोडक्ट ऐसी हो जिससे क्या है नीड्स और रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स पूरे हों कि वही अगर जो नीड्स और कस्टमर्स की नीड्स हैं वो चेंज हो रही हैं फ़ैशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने भी अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लेके आना वही अगर हमने कंपटीशन में रहना है ये क्या थी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस टूआर्स कंज्यूमर्स नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुअर्ड्स एम्प्लॉयज इम्प्लॉयज जिनके हेल्प से ही हम अपने बिजनेस को आगे लेके आ पा रहे हैं तो सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंप्लॉयज़ के लिए प्रोवाइडिंग फेयर कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स कि जो उनका हक बन रहा है चाहे वेजेस है चाहे सैलरी है चाहे एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट्स हैं वो उन्हें आगे प्रोवाइड करवाना एंड नाउ नेक्स्ट फॉर अवर इंप्लॉयीज़ आवर नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइडिंग गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस जहाँ पर वो इम्प्लॉयज़ जो हैं काम कर रहे हैं वो वर्किंग कंडीशंस वहाँ पर सेफ हों अच्छी हों अगर अच्छे एनवायरनमेंट में अपने जो वर्कर्स है काम कर रहे हैं तो इजीली काम वो कर पाएंगे काम में दिल लगेगा और इससे भी प्रॉफिट बिजनेस को होगा और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो हमें एथिक्स शुरू से सिखाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग क्योंकि दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स वर्किंग कंडीशन सेफ़ हो कहीं कहीं अगर ऐसा है कि सेफ्टी कम महसूस हो रही है तो पूरा ध्यान रखा जाए जैसे कोई मशीन्स के रिगार्डिंग कोई सेफ्टी चाहिए कोई ऐसी कोई और इलेक्ट्रिकल चीज़ है जिसके लिए सेफ्टी चाहिए तो वो वहाँ पर सारी प्रोवाइड करवाई जाए और गुड वर्किंग कंडीशन हो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह फ़ैन वगैरह लगे होने वर्कर्स जहाँ पर हैं वहाँ पर अच्छे ठंडे पानी का वहाँ पर जो है हमने अरेंज किया हुआ है ये सारी वर्किंग कंडीशन वहाँ पर प्रोवाइड करवाना प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उन्हें ग्रोथ और डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी देना मतलब अगर वर्कर सही काम कर रहा है तो आगे उसके प्रमोशन के चांसेस हों टू डेवलप सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बिलोंगिंग बिलोंगिंगनेस की सेंस होना कि जिससे उन्हें लगे कि ये जो है बिजनेस जिसमें हम काम कर रहे हैं ये जो कंपनी जिसमें हम काम कर रहे हैं ये अपनी है ये बिलोंगिंगनेस कैसे होगी अगर हमने ये सेंस जो है डेवलप किया हम कैसे डेवलप कर सकते हैं ये सेंस अगर हम भी उनके साथ ऐसा बिहेवियर रख रहे हैं जिसमें जैसे कि आगे कोई सजेशन वगैरह उनसे ली जा सकती है ये ये नहीं सिर्फ उनसे वर्क के अकॉर्डिंग ही कर, उन्हें कहा जा सकता है कि अच्छी वर्किंग कंडीशंस दे रहे हैं जैसे और अच्छे उनके सजेशंस जो है आगे एक्सेप्ट किए जा सकते हैं जिससे उन्हें एक वहाँ पर फैमिलियर एनवायरनमेंट लगे और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है वो डेवलप हो टू प्रोवाइड इंसेंटिव एंड सर्विसेज़ लाइक हाउसिंग मेडिकल इंश्योरेंस रिटायरमेंट बेनिफिट्स एक्सेट्रा इसके अलावा जैसे सैलरी वगैरह वेजेस वगैरह दी जा रही है इसके अलावा कुछ इंसेंटिवस वगैरह भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं जैसे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स वगैरह बोनस वगैरह और इसके अलावा हम सर्विसेज जैसे कि हाउसिंग फैसिलिटीज़ दी जाती है कई कई बार कई कंपनीज वगैरह में मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती है या बच्चों की एजुकेशन के लिए फैसिलिटी दी जाती है इंश्योरेंस करवा के दिया जाता है या रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे रिटायरमेंट uh, के बाद जो है कुछ बेनिफिट्स वगैरह दिए जाते हैं तो ये क्या है जिससे जो है वर्कर इम्प्लॉइज वगैरह वहाँ पर सेफ महसूस करेंगे कि उन्हें एक जॉब सिक्योरिटी जॉब सेफ्टी भी वहाँ पर फील होगी जिसकी वजह से वहाँ पर बने भी रहेंगे और अपनी जो कंपनी है वो भी आगे बढ़ेगी और हमारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी हो रही है नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूअर्ड द ऑनर्स शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किया है दे आर द दे कैन भी इन्वेस्टर्स और दे कैन भी शेयर होल्डर्स ऑनर्स ठीक है कि ऑनर्स शेयर होल्डर्स को जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें हम ऑनर्स कह देते हैं हमने खुद ने पैसा लगाया अपनी ऑन कैपिटल है या शेयर होल्डर्स की वजह से है या एनी अदर कोई इन्वेस्टर है तो उनके लिए भी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट कि उनकी इन्वेस्टमेंट एक सेफ जगह पर है कि उनको ये श्योरिटी दिलाना कि उनका पैसा जो जैसे भी इन्वेस्ट किया गया है उसके अकॉर्डिंग रिटर्न वगैरह वापस दी जाएंगी जो उनका इंटरेस्ट बन रहा है या डिविडेंड बन रहा है वो टाइम टू टाइम दिया जाएगा जो अगर जो इन्वेस्टर्स थोड़े समय के लिए इन्वेस्ट किया है वो टाइम टू टाइम वापस भी किया जाएगा और जो हमारे बिजनेस में इतना प्रॉफिट है या इसकी वजह से जो है जो हमने सेफ्टी महसूस कराना इसकी वजह से ही ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो पाएगी और एक ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इन्वेस्टर्स की तरफ एंड वी कैन टू एंश्योर फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि जितनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न बनती है रेगुलर रिटर्न बनती है फेयर रिटर्न बनती है उतनी ही जो है इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न देना जैसे शेयर होल्डर्स के लिए जो प्रॉफिट बनता है जो डिविडेंड बन रहा है उसके अकॉर्डिंग ये नहीं है ज़्यादा जा, से ज़्यादा रिटेन्ड अर्निंग्स रखना या फिर उनके अकॉर्डिंग जो अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट शो कम करना और रिटर्न सही से ना देना या फिर डिबेंचर्स के लिए भी हम बहुत कम जो है इंटरेस्ट रख रहे हैं या इन्वेस्टर्स के लिए ऐसा ना हो फेयर एंड रेगुलर रिटर्न बनना चाहिए इन्वेस्टमेंट पर टू गिव कम्प्लीट इंफॉर्मेशन अभी फाइनेंशियल पोजिशन जो है सही शो की जाए बिजनेस की जैसे मैंने अभी पिछले पॉइंट में बताया कि यही प्रॉफिट जानबूझ के कम शो कर देना या जानबूझ के लॉस को छुपाना कि आगे से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सही फाइनेंशियल पोजिशन आगे लेके आना बैलेंस शीट्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है टू एंश्योर एप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बाई प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन्वेस्टमेंट क्यों हो रही है इन्वेस्टर्स से हम पैसा क्यों ले रहे हैं आगे जो है अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट के लिए ये ग्रोथ और डेवलपमेंट किस पर डिपेंड है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कि अगर हम रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आगे अप्रिशिएट होगी उससे हमें फायदा हो रहा है अगर हमें फायदा हो रहा है तो उससे क्या होगा शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स को भी फायदा होगा तो ये श्योरटी होना ये इंश्योर करवाना कि जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो सही से यूज़ की जाएगी अप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज चाहे यही फाइनेंशियल रिसोर्सेज सही से यूज़ हो या इनके थ्रू जो रिसोर्सेज हमने परचेज किए हैं वो सही से अगर यूज़ होंगे गिव दैम टू गिव दैम अपॉर्चुनिटीज़ टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के अपॉर्चुनिटीज देना जैसे ऑनर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स को होती है इससे क्या होगा वो भी बिलोंगिंगनेस महसूस जो है फील करेंगे और इससे हम, हमारे बिजनेस के लिए भी हम अच्छे डिसीज़न ले सकते हैं और ये और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी कर सकते हैं ऑनर्स हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूअर्स द ऑनर्स शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टमेंट नाउ वी विल मूव टू अवर फोर्थ पॉइंट दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू आर्ड द गवर्नमेंट गवर्नमेंट के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अगर हम सोचें सबसे पहले हमारे मन में रूल्स और रेगुलेशनस आते हैं रूल्स और रेगुलेशन में सबसे पहले टैक्सेस की बात आती है टैक्सेस और ड्यूटीज़ वगैरह हम अगर टाइम पर भर रहे हैं कि नहीं जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स और रेगुलेशन जैसे कि पॉपुलेशन फ्री एरिया रखना है हमने हमारी जो है रेजिडेंशल एरिया से आउटसाइड पे इंडस्ट्री वगैरह हो ये सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना अदरवाइज गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन योर बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर टू अबॉयड बाई रूल रूल्स रेगुलशन एंड लॉज टू पे टैक्स एंड ड्यूटीज ऑन टाइम टू हेल्प इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में गवर्नमेंट की हेल्प करना जैसे अभी मैंने पोल्यूशन की बात की है इससे इस रिलेटेड हम जो है अपना क्या मतलब जो रोल है आगे निभा सकते हैं तो उसमें एक गवर्नमेंट में गवर्नमेंट की हेल्प करना आगे ड्यूटीज़ वगैरह को पूरा करना पहले फिर गवर्नमेंट की जिस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं जैसे डोनेशन वगैरह देखे भी चाहे टैक्सेस वगैरह तो हमने टाइम पे पे करनी है डोनेशंस वगैरह और हेल्प की जा सकती है to adopt fair dealings especially when involved in external trade so that country's reputation is maintained country ki reputation maintain rakhi ja sakti hai kaise ki specially hum dhyan rakhe ki agar hum external trade mein hain import export mein hain to हम adopt क्या करें fair dealings कि उसमें कोई ऐसी ना हो कि dealings जो है fair उस manner में चलें ताकि अपने country की reputation बनी रहे टू कॉपरेट इन प्लानिंग इन्वेस्टिगेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट वही गवर्नमेंट की हर एक तरह की जो एक्टिविटीज़ है उसमें कॉपरेट करना कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से नई पॉलिसीज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं तो उनको फॉलो करना उनके लिए कंट्रीब्यूट करना ये ना हो कि हम पुराने रूल्स पे हैं और फिर ये कहीं गवर्नमेंट की तरफ़ से क्यों चेंज हो रहे हैं गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री को देखते हुए न्यू प्लानिंग या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ करनी है तो उसमें पूरा गवर्नमेंट को काऑपरेट करना these are the responsibilities towards the government. now responsibilities towards the community to protect the environment from all community में kya आ जाएगा कि society का एक ऐसा part जिसमें हम रह रहे हैं या लगला -लग communities बनी हुई हैं इसमें इस first of all तो environment ही आ गया to protect the environment for all types of from all types of uh, pollution टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम्युनिटी में रहते हुए ये हमारी ड्यूटी बन रही है कि बिजनेस के बारे में सोचें साथ में ये हो कि मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट जिससे क्या है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे जो हर एक तरह के सेक्शन है सोसाइटी के जो कम्युनिटीज़ है वो आगे बढ़ें कोई अगर वीकर सोसाइटी है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको बल्कि आगे लाने की कोशिश करें जिसमें जैसे बैकवर्ड एरियाज आगे जाए एजुकेशन से रिलेटेड वो है जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का उनको आगे लाने की कोशिश की जाए तो इसमें टू मोर टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू ब्रिंक नेशनल इंटीग्रेशन नेशनल इंटीग्रेशन में यही आएगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हम रिलीजन के उसमें या फिर कास्ट और क्रीड के उसमें कहीं पर भी जो है डिस्क्रिमिनेशन ना हो बल्कि नेशनल इंटीग्रेशन लेके आए टू ब्रिंग ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन द लोकल एरिया वेदर प्लांट इज लोकेटेड बाई प्रोवाइडिंग अमूनिटीज सच आज ड्रिंकिंग वाटर इलेक्ट्रिसिटी डिस्पेंस डिस्पेंसरीज एक्सेट्रा कि हम लोकल एरिया में इम्प्रूवमेंट लेके जहाँ पर हमारी खुद का बिजनेस है प्लांट है इंडस्ट्री है वहाँ पर कम से कम हम डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं यहाँ पर जो ड्रिंकिंग वाटर इलेक्ट्रिसिटी और डिस्पेंसरीज हैं ये आम जो अपने जो सीवल पर्सनस हैं उनके लिए कहा गया है कि उनके लिए हम ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वी हैव डिस्कस अबाउट प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी टू प्रिजर्व सोशल एंड कल्चर वैल्यूज़ हम सोशल कल्चर वैल्यूज़ को भी प्रिजर्व रख सकते हैं बिजनेस अपना है, अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग आके लेके आना जिसमें अपनी कल्चर वैल्यूज़ को मत भूलना और अपनी जो है अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग क्या चीज़ हमारे जो है ट्रेंड में है फैशन में है अपनी कंट्री के कल्चर को देखते हैं इसके लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स में भी जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं गवर्नमेंट की भी हेल्प कर सकते हैं खुद भी अपनी तरफ से कुछ प्रोग्राम्स ऐसे रख सकते हैं जिसमें अपनी जो है आगे गुडविल भी हो अपनी एडवर्टाइजमेंट भी हो जाए और साथ में हम प्रिजर्व रख रहे हैं सोशल एंड कल्चर वैल्यूज सो दीज व रिस्पॉन्सिबिल्टीज़ टू आर्स द कम्युनिटी नाउ सिक्सथ इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू आर्स सप्लायर्स सप्लायर्ज़ जिन्हें पहले क्या था इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन्वेस्ट किया अब सप्लायर्स जिन्होंने हमें आगे हमने अगर हमारी इंडस्ट्री है हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए जो रो रॉ मटेरियल हमें प्रोवाइड करवा कर रहे हैं दो हज़ार सप्लायर्स टू एंश्योर रेगुलर पेमेंट टू द सप्लायर्स अगर हम ये उम्मीद रख रहे हैं कि अगर हमने आगे प्रोडक्ट सप्लाई की हैं तो हमें रेगुलर उसके लिए पेमेंट मिलती रहे तो हमारी भी ये ड्यूटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम रेगुलर पेमेंट ऑफ द सप्लाइज भी करते रहें फॉर द रॉ मटीरियल या मशीनरी परचेज जो भी हमने परचेज किया रॉ मटीरियल के लिए स्पेशली टू इन्श्योर रेगुलर पेमेंट टू द सप्लायज बिकॉज ऑफ रेगुलर पेमेंट वर्ड टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग्स विद द सप्लायर्स फेयर डीलिंग्स वैसे ही उनके उनके साथ भी अपनी डीलिंग्स कैसे होनी फेयर होनी चाहिए उसमें कुछ छुपाना नहीं चाहिए फेयर ट्रेड हमने करना है टू प्रोटेक्ट एस ए स्मॉल बाय प्लेसिंग ऑर्डर्स विद दैम ये हमारी कोशिश होनी चाहिए क्योंकि हमने पिछली उसमें कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हमने पढ़ा है कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और वीकर सेक्शन को हम आगे लाने की कोशिश करें तो ये जो थर्ड पॉइंट है ये भी इससे रिलेटेड है कि वीकर सेक्शंस में कैसे जैसे असिस्ट स्मॉल स्केल सप्लायर्स स्मॉल स्केल सप्लाईज़ को हम आगे लाने की कोशिश करें उनकी हेल्प करें उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें तो ये कैसे किया जा सकता है बाय प्लेसिंग ऑर्डर्स विद दैम कि हम स्मॉल स्केल सप्लाय से ज़्यादा से ज़्यादा जो है को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर दें कि अपना ऑर्डर उनसे पूरा करवाने उन्हें भी आगे लाने की कोशिश करें वीकर सेक्शन भी इससे आगे आएगा कम्युनिटी की हेल्प होगी सप्लायर्ज़ की हेल्प होगी ठीक है स्मॉल स्केल सप्लाइज़ को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो गाइड एंड असिस्ट सप्लायर्ज इन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स अगर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है हमें कम लग रही है तो उसे इम्प्रूव में लाने की कोशिश करनी चाहिए हमें गाइड करना चाहिए सप्लायर्स को हेल्प करनी चाहिए उन्हें ये नहीं है कि हाँ उनकी प्रोडक्ट सही नहीं है तो बस मना ही कर दिया उन्हें उनकी क्योंकि हम जैसे स्मॉल स्केल सप्लायर्स की हेल्प कर रहे हैं तो कुछ हेल्प हम उन्हें गाइड करके भी अपनी तरफ से गाइड करके उनकी हेल्प कर सकते हैं कि आगे को वो प्रोडक्ट्स कैसे इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ देर प्रोडक्ट्स अपने जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी रॉ मटीरियल की क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं सो दीज़ आर द सिक्स ग्रुप्स ऑफ आवर सोसाइटी टू वर्ड्स विच द बिज़नेस हैज सम दी इज़ आर द इंटरेस्ट ग्रुप्स बिजनेस इन सब की तरफ जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है एक गुड ह्यूमन बींग के हम तौर पे कह सकते हैं हम शुरू से जो एथिक्स सिखाएं जो शुरू से वैल्यू सिखाए है जाते हैं उसके उसके अकॉर्डिंग भी और अपने बिजनेस को देखते हुए भी अगर हम इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करेंगे इफ वी फुलफ़िल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वर्ड दिस डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स दैन आवर बिजनेस कैन रिमेन इन कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन में रह सकता है अदरवाइज नहीं क्योंकि आज मोनोपली नहीं हो सकती आज कई तरह की प्रोडक्ट्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वालिटी ड्यू टू क्वालिटी रेट्स ठीक है उसके अकॉर्डिंग हमने क्वालिटी भी मेंटेन करके रखनी है और रेट्स प्राइसेस वगैरह भी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करने हैं इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द चैप्टर बट आवर टॉपिक इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अवर डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स दैट इज कम्प्लीटेड नाउ Thanks.